से अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आ जाए। आदरणीय चाची जी, भारत जी, राजीव जी, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप जग में सुन रहे हो, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुन रहे हो, चाहे कृष्ण कहो या राम। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं महाराष्ट्र आऊँगा, और महाराष्ट्र आऊँगा तो मुझे नंद किशोर नौटियाल नहीं मिलेंगे। आज के उपस्थित हमारे अनूप जी और सभी मित्रों, बड़ा कठिन होता है ऐसे समय में बोलना। मुझे लगता है कि जब मैं कभी पर्वत शिखरों से आकर के सागर के मध्य विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति नंद किशोर नौटियाल बनता है या शैलेश मटियानी बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये देश कैसा अद्भुत है। बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि से आकर के इस ब्रांड मुंबई में अनेक परिस्थितियों से जूझते हुए, और ये तो यहाँ आर्थिक नगरी तो है ही है, सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी भी है, ऐसे परिवेश में पहाड़ में अनेक झंझाताओं झंझावातों को जिनके पूर्वजों ने झेला हो, जिन्होंने खुद भी कष्ट किए हो, ऐसा व्यक्ति जब मुंबई में आता है और मुंबई में आकर के जैसे गंगा यमुना सागर में समाहित होकर के और फिर वाष्प बन करके बादल बन करके फिर उन्हें हिमालय से टकरा करके और फिर यहाँ का वर्षा दे करके हमारे जीवन को धन्य करती है, ऐसे लोगों में से हमारे आदरणीय नंद किशोर नौटियाल जी रहे हैं।